एक्शन कितना इम्पैक्टफुल होने वाला है, एक्शन हाईलाइट ट्रेन फाइट सीक्वेंस किस तरीके का होगा, राजमौली आरआरआर के स्पेशल सीक्वेंस के साथ क्या डेयरिंग दिखाने वाले हैं, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आरआरआर के डायरेक्टर एसएस राजमौली एक बार फिर से इंडियन सिनेमा को बाहुबली लेवल का सिनेमा देने के लिए तैयार है, बट इंटरेस्टिंगली आरआरआर बाहुबली से काफी अलग होने वाली है। उम्मीद है हर एक डिपार्टमेंट में हमें पहले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, लेकिन एक्शन वाइज तो श्योरिटी है कि ये फिल्म अब तक की सबसे बेहतरीन एक्शन पैक्ड फिल्म होने वाली है। जाहिर है जब राजमौली ने एक एक्शन सीक्वेंस को करोड़ों के बजट में बनाया हो तो फिल्म उनकी जरूर से जरूर लोगों के उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आज हम आरआरआर के बारे में कुछ खास बातें करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। आरआरआर का एक्शन इस तरह से पिच किया जा रहा है जैसे आज तक किसी भी फिल्म में दिखाया ना गया हो। ये एक्शन थ्रिलिंग तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ एक इमोशनल अपील भी लेकर सामने आने वाला है। इस यूनिक मिश्रण के चलते इस नए टाइप के एक्शन ऑडियंस को कितना पसंद आती है ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि हमारी ऑडियंस इस पिक्चर का बेसब्री से इंतजार कर रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस फिल्म के बदौलत ऑडियंस में एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ने की काबिलियत है। जी हाँ, इस इम्पैक्ट को नेक्स्ट लेवल का बनाने के लिए मेकर्स ने हर 10 मिनट पर एक फाइट सीन डिजाइन किया है, और ओवरऑल देखा जाए तो उसमें 10 मैसिव फाइट सीक्वेंस होने वाले हैं। यहाँ क्लाइमेक्स का भी एक फाइट सीन है जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। एक्शन लवर्स के लिए बोनस होगा आरआरआर का रेन फाइट सीन, जिसे एक मेजर हाईलाइट की तरीके से पेश किया जाएगा। इस सीन में हमें लीड अल्लूरी सीतारमन और कोमा राम भीम की डेडली फाइट देखने को मिलेगी। भारी बारिश के बीच काफी सिमिलर बाहुबली के फाइट सीक्वेंस की तरह होने वाला है ये फाइट सीक्वेंस भी। मास्टर फिल्म मेकर राजमौली हमेशा अपने सीन में कुछ नयापन ऐड करते हैं, इसीलिए ये देखना काफी मजेदार होगा कि ये रेन फाइट को अब किस नई क्रिएटिविटी के साथ वो ऑडियंस के सामने पेश करेंगे। बट एज वी ऑल नो, जहां एक्सपेरिमेंट किया जाएगा वहां रिस्क भी होने के उतने ही चांसेस हैं, और राजमौली अपनी एक्सपेरिमेंटल फिल्म मेकिंग के लिए तो मशहूर हैं ही। इसी के चलते वो आरआरआर में भी एक डेयरिंग सीक्वेंस ऐड कर रहे हैं जो होगा एक लॉन्ग लास्टिंग 8 मिनट का गाना। हालांकि ये रिस्क डायरेक्टर साहब बड़े कैलकुलेटेड तरीके से लेना चाहते हैं, इसीलिए वीएफएक्स से टॉप नॉच बना के एक विजुअल ट्रीट भी देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी गाना चाहे कितना भी दमदार हो, 8 मिनट की ड्यूरेशन काफी ज्यादा लंबी है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ऑडियंस को ये लॉन्ग ड्यूरेशन का गाना कितना पसंद आता है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, आरआरआर जैसी बड़ी फिल्म इस सॉन्ग में कुछ नया लुक तो जरूर देगी, और ओवरऑल हम उम्मीद भी करेंगे कि ऑडियंस को ये मूवी पसंद आए। जिस तरीके से लोगों ने बाहुबली को प्यार दिया था, उम्मीद की जा रही है कि आरआरआर को उससे भी डबल प्यार मिलने वाला है। आप सभी कितने एक्साइटेड हैं आरआरआर के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।